हमारी ये दही पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है और ये बहुत इजी है इसे बनाना, आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दही पूरी। दही पूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए केचप, ये मैंने चाट मसाला लिया है, अनियन, ये रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, भुजिया और कर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं दही पूरी। मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, अब मैं पूरियों को फ्राई करूंगी। ये देखिए पूरियां बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कुछ और भी पूरियां मैं फ्राई कर देती हूँ, इन्हें ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पूरियां मेरी फ्राई हो चुकी हैं। कुछ और मैं कर देती हूँ, ऑयल बिल्कुल गरम है। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। मैंने सब कुछ ये रेडी कर लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है आपको। तो मैंने पूरी ले ली है, पूरी के अपर पार्ट को हम ब्रेक करेंगे। ये बहुत क्रंची बनी है, अब हम इसमें ऐड करते हैं कर्ड, ज्यादा फुल नहीं करेंगे हम। इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, लाल मिर्च, चाट मसाला, इसमें हम ऐड करेंगे केचप, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसमें मैं ऐड करूंगी भुजिया। अगर आप चाहे थोड़ा और कर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें केचप। ऐसी हम सेम सेकंड पूरी के साथ भी करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, मैंने पहले इसमें भुजिया ऐड कर ली है, कर्ड ऐड करी है मैंने, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला, अनियन बारीक कटा हुआ, सॉल्ट, केचप, भुजिया, आप चाहे थोड़ा और कर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसी हम सारी पूड़ियां रेडी कर देंगे। हमारी ये दही पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। देखिए ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है और ये बहुत इजी है इसे बनाना, आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। अगर बच्चों को जैसे कि शाम के टाइम पे बहुत क्रेविंग होती है तो आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको अपने एफर्ट्स नहीं डालने हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी लग रही है, आप इसे बनाइएगा और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी आपको ये दही पूरी। प्लीज मेरे को इसके रिव्यू जरूर दीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसी लगी। प्लीज शेयर मेरी वीडियो का आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।